सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। देखिए दोस्तों, आज बेसिकली इसी वीडियो के माध्यम से हम बैंक 50 ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट के बारे में हम जानने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम बेसिकली ये स्ट्रेटेजी को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे काम करना चाहते हो तो दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंट्राडे मतलब क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है मार्केट पे काम करने का। अगर उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे तो दोस्तों आपकी लॉस होने की चांस रहता है। और इंट्राडे पे ज्यादातर लोग उनकी नुकसान करते हैं, क्योंकि देखिए क्यों नुकसान करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो उनका नुकसान करने का सबसे जो मेन कॉज है, जो सबसे बड़ा वजह होता है, वो होता है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि वो इंट्राडे पे जब काम करेंगे हो सके उनको पहली बार लॉस आ जाए, लेकिन वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर पे वो बार बार ट्रेड करने लगते हैं, वो रिवेंज ट्रेड करते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि उनका जितना भी लॉस आया है वो लॉस को उसी दिन रिकवर करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत रेयर सिनेरियो में होता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम वो बंदे का लॉस ही जाएगा। क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग अगर आप लोगे तो मैक्सिमम टाइम आप लॉस पे ही रहोगे। इसीलिए कभी भी इंट्राडे पे ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। और दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग पे लोग ज्यादातर बहुत बड़ी पोजीशन लेके काम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम बहुत बड़ा पोजीशन लेके काम करेंगे हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुनाफा कमा लेंगे, जो कि एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। क्योंकि अगर आप आपकी कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा पोजीशन रिस्क लेके काम करोगे और आपको एक बार भी लॉस आता है तो बहुत बड़ा लॉस के हिसाब से आपके कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा लेके चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ज्यादा रिस्क लेके बहुत बड़ा पोजीशन लेके कभी भी ट्रेड मत कीजिए। देखिए, आपकी कैपिटल का 1% या मैक्सिमम 2% का रिस्क लेके आप काम कीजिए, ताकि अगर आपकी किसी दिन लॉस भी आ जाए, जैसे आपका वो लॉस नेक्स्ट ट्रेड पे या 2 दिन के अंदर वो लॉस रिकवर हो जाए। और लोगों का लॉस होने का जो थर्ड कॉज होता है, देखिए लोग जनरली उनके ऑफिस आवर पे उनका ऑफिस का काम करते हैं और उसी टाइम के अंदर वो मार्केट को देख नहीं पाते। लेकिन बेसिकली लोग क्या करते हैं, ऑफिस काम करने के टाइम पे भी वो उनका ट्रेड लेके छोड़ देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उनको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जनरली ऐसे होता नहीं है। जब उनकी ऑफिस आवर खत्म होता है, जब वो मार्केट का रिजल्ट देखते हैं, तो उनको नेट नेट लॉस ही मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये सारे सिनेरियो को नजर पे रख के मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर ये स्ट्रैटेजी को बनाया है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आप सही से मार्केट को देख नहीं पाते हैं, मतलब अगर आप ज्यादातर टाइम मार्केट को दे नहीं पाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी को मैंने बनाया है। दोस्तों, इसको फुल टाइम ट्रेडर भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ टाइम मार्केट को देना चाहते हैं, जैसे 5-10 मिनट, अगर आप 5-10 मिनट भी मार्केट को एक दिन के अंदर देना चाहते हैं, फिर भी दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके एक अच्छा खासा डिसेंट इनकम महीना का जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी पे एक फिक्स टाइमिंग के अंदर हम सिर्फ 5 मिनट ही ट्रेड कर रहे हैं और उसी 5 मिनट के अंदर हमारा ये प्रॉफिट आ जाता है। अगर उसी 5 मिनट के अंदर हमको थोड़ा बहुत लॉस भी कभी आता है, वो लॉस को हमको बुक करके निकल जाना है। लेकिन दोस्तों, इसका एक्यूरेसी 80-90% के आसपास आ रहा है, इसीलिए ज्यादातर टाइम हमको प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने जो ट्रेड लिया था उसका रिजल्ट मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आज बेसिकली मार्केट का मूवमेंट एक रेंज बाउंड था और देखिए दोस्तों, मार्केट आज 11,490 लेवल के आसपास ओपन हुआ था और आज का जो क्लोजिंग हुआ है 11,508.45 के हिसाब से ये क्लोजिंग दिया है। उसका एक्चुअल सेटलमेंट 11,503.35 रेंज के आसपास हुआ है। तो बेसिकली आज मार्केट एक ही रेंज के अंदर मूव किया। जिन लोग आज मार्केट पे इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे होंगे तो जनरली मैक्सिमम लोगों का लॉस आया होगा।
क्योंकि देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर जो मूव करता है, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करके काम कर रहे हो, मैक्सिमम स्ट्रैटेजी उतना ज्यादा काम नहीं देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, हम जो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ये हमको सिर्फ मार्केट पे 5 मिनट के लिए काम करना है, मार्केट किसी भी डिरेक्शन पे जाए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। देखिए निफ्टी बैंक सुबह सुबह जो पहला आधा घंटा 1 घंटा के आसपास ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू देखिए इस पे डाउनफॉल देखने के लिए मिला था, लेकिन 22,250 रेंज के आसपास इस पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला और ये जो गैप बनाया था निफ्टी बैंक के ऊपर, ये गैप को मार्केट फील कर दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिला है। देखिए 22,500 लेवल के आसपास दोबारा मार्केट आया, लेकिन इसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, तो एक छोटा सा करेक्शन आया और मार्केट 22,370 रेंज के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों इतना बड़ा वोलाटाइल मार्केट पे भी चलिए मैंने आपको मेरी रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों आज हमको 778.75 के आसपास प्रॉफिट आया है। दोस्तों ये प्रॉफिट 2,000-2,500 के आसपास चल रहा था, लेकिन वो प्रॉफिट जब थोड़ा कम होने लगा तो मैंने ये 3 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो बेसिकली मैंने इस पे 10-11 लॉट के आसपास लेके काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मार्केट कैसा भी हो, एक फिक्स टाइमिंग के अंदर हमको 5 मिनट ही ट्रेड करना है और 15 पॉइंट के आसपास टारगेट लेके काम करना है। तो ये स्ट्रैटेजी मैक्सिमम टाइम अगर आप 80-90% ऑफ द टाइम देखोगे इस पे हमको प्रॉफिट मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक्चुअल ट्रेड है या मैंने कुछ एडिट किया है, चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये सेम ट्रेड आप लोगों को दिखेगा। मैंने और एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड हमको दिख रहा है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मैंने कंटिन्यूअसली आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए पूरा सितंबर मंथ मतलब 18 सितंबर से 30 सितंबर ये जो 9 ट्रेडिंग डे था, 9 ट्रेडिंग डे पे हमको 16,360 के आसपास हमको प्रॉफिट आया है। और दोस्तों 1 अक्टूबर को मैंने ट्रेड नहीं कर पाया था, तो आज अक्टूबर मंथ का पहला दिन था, तो देखिए अक्टूबर मंथ का मेरा ट्रेडिंग के हिसाब से पहला दिन था, तो आज 778.75 के आसपास हमको प्रॉफिट मिला है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे पे एक डिसेंट इनकम जेनरेट करना चाहते हो, आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना ही पड़ेगा। आपको ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मैंने मेरी व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी मेंशन किया है, तो उसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।